गाइज, अगर आप पतले हो और वजन बढ़ाना चाहते हो तो ये 8 चीज जरूर खाए। नंबर 1, ग्राम माइंडेड। पतले लोग अगर चने के साथ खजूर खाए तो वो बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चने के साथ खजूर जरूर खाए। नंबर 2, केला यानी बनाना। आपको बता दूं कि फाइबर और नेचुरल शुगर से भरपूर केले के सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। ये इनर्जी स्टैमिना को बढ़ा सकती है। केले में नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन और फोलिक एसिड के रूप में विटामिन ए और विटामिन बी की पर्याप्त मात्रा मौजूद होती है। इतना ही नहीं, नाश्ते में केले का सेवन किया जाए तो लंच तक भूख भी नहीं लगती है। तो है ना कमाल के फायदा। नंबर 3, एग। आपको बता दूं कि अंडे में फैट और कैलोरी काफी होती है और इसका रोजाना सेवन करेंगे तो वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि कच्चा अंडा भूलकर भी ना खाए, इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती है। नंबर 4, पीनट बटर। वैसे आप लोग पीनट बटर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। हमारे शरीर में पीनट बटर एनर्जी के स्तर को बढ़ाने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है। इसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैट्स की काफी मात्रा पाई जाती है। शाकाहारी लोग में पीनट बटर एनर्जी का एक बेहतरीन खजाना है। इसके सेवन से पेट तो भरा भरा लगता ही है, साथ में वर्कआउट के लिए भी जरूरी प्रोटीन भी मिल जाता है। पीनट बटर को ब्राउन ब्रेड के साथ खाना फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आप लोग ब्रेकफास्ट में पीनट बटर जरूर ऐड करें। नंबर 5, साइट्रस फ्रूट या खट्टे फल। खट्टे फल यानी साइट्रस फ्रूट विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जैसे आप लोगों को भी पता होगा। इनके साथ ही इन फल में फाइबर, कैल्शियम, फोलेट, नियासिन, थायमिन और विटामिन B6 जैसे आवश्यक तत्व तो मौजूद होते हैं। आपको बता दूं कि संतरा, नींबू, आंवला जैसे खट्टे फल में विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। इन फलों के सेवन से स्टैमिना और इम्यूनिटी दोनों बढ़ती है। नंबर 6, बादाम। बादाम भी काफी हद तक वजन बढ़ाने में कारगर है। इसके लिए 3-4 बादाम रात भर पानी में भिगो कर रख दे और अगले ही दिन पीस कर दूध में घोल कर पी ले। 1 महीने तक रोजाना ऐसा करे, आपको असर दिखने लगेगा। नंबर 7, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियाँ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल शरीर में लो यानी कि आयरन तत्वों की कमी को पूरा करती है। ये सब्जी स्टैमिना बढ़ाने में भी फायदेमंद हो सकती है। साथ ही इन सब्जियों के सेवन से शरीर में विटामिन ए, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति भी पूरा होती है। सो अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर ऐड करें। नंबर 8, पोटैटो यानी आलू। आपको बता दूं कि आलू को अपनी नियमित डाइट में शामिल जरूर करें। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो वजन बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए आप आलू किसी भी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो ज्यादा ताला भुना ना हो। तो दोस्तों, ये है कुछ खाने की लिस्ट जो आपको हरेक दिन अपने खाने में जरूर ऐड करें, जो आपके वजन बढ़ाने में मददगार साबित हो सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ में ऐसे ही वीडियो रोजाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।